व्लादिमीर पुतिन, ये वो नाम है जो दो दशक से भी ज्यादा से रूस की सत्ता पर काबिज है। कहने को तो वो संविधान के हिसाब से चलता है, पर जैसे उसकी हरकतें हैं, उससे तो दुनिया को अब ये लग रहा है कि वो रूस का अगला जार बनकर निकलेगा। ऐसा नहीं है उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, बल्कि वो कभी कानूनी तो कभी गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके सत्ता को अपने हाथ से जाने ही नहीं देता। संविधान को बदलने से लेकर अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारने तक वो कथित तौर पर हर तरीके का इस्तेमाल करता है, और इसीलिए उसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान और जार यानी तानाशाह कहना गलत नहीं है। लेकिन इनकी शुरुआत ऐसी नहीं थी, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने रूस को ऐसे संकट से बाहर निकाला जो उसे अंदर से खोखला कर देता। लेकिन कैसे आज वो इतने खतरनाक इंसान और रूस के तानाशाह बन गए? आज की वीडियो में हम आपको सब बताने वाले हैं कि पुतिन कैसे बर्लिन की दीवार से रूस के राजा बन गए। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं पुतिन की शुरुआत कहां से हुई, और फिर बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी जिंदगी को कुचलकर पुतिन आज भी सत्ता पर बैठे हैं। सोवियत संघ के खुफिया एजेंट रहे व्लादिमीर पुतिन देश के सबसे ताकतवर इंसान बन गए हैं। पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। पिछले डेढ़ दशक से भी ज्यादा से रूसी ताकत और सत्ता पुतिन के इर्द गिर्द घूम रही है, और आज वो दुनिया भर की मीडिया में छाए रहते हैं। 1980 के दशक में उन्हें जर्मनी के ड्रेसडेन में खुफिया एजेंट के तौर पर नियुक्त किया गया था, लेकिन बर्लिन की दीवार गिरने के बाद वो वापस रूस आ गए थे और तत्कालीन येल्त्सिन सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद वो राजनीति में अपनी जगह बनाते चले गए। 1997 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें अपना डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ घोषित किया। फिर 1999 में येल्त्सिन ने उन्हें रूस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया, तो उनके समर्थक और विरोधी दोनों इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन कोई भी पुतिन को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाया। येल्त्सिन के अचानक इस्तीफा देने के बाद पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, और उन्होंने पहला काम ये किया कि येल्त्सिन पर लगे भ्रष्टाचार के सभी आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया। सन 2000 में वो राष्ट्रपति चुने गए। इसके साथ ही उनकी छवि भी बदल गई। उस समय देश भ्रष्टाचार से परेशान था, तब पुतिन कानून और व्यवस्था को मानने वाले नेता के रूप में उभरे। पुतिन ने लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई और वो लोगों की कसौटी पर खरे उतरे। उन्होंने रूस को आर्थिक संकट से निकाला और लोगों को अच्छे दिन देखने को मिल गए। 2004 में भी लोगों ने उन्हें फिर अपना नेता चुना। अमेरिका की ही तरह रूस में भी राष्ट्रपति तीसरी पारी नहीं खेल सकता था, लिहाजा दिमित्री मेदवेदेव देश के राष्ट्रपति बने और उन्होंने पुतिन को प्रधानमंत्री बनाया। दिमित्री केवल कागजों में राष्ट्रपति थे, जबकि सत्ता की कमान पुतिन के हाथों में थी। मेदवेदेव के दौर में ये घोषणा हुई कि अगले चुनाव में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष की बजाय 6 वर्ष का होगा। 2012 में पुतिन फिर राष्ट्रपति बने। उन्होंने मेदवेदेव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, हालांकि इनकी कड़ी आलोचना हुई। देश की अर्थव्यवस्था फिर बिगड़ी, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के उल्लंघन के भी लगातार आरोप लगते रहे। इसके बावजूद पुतिन एक बार फिर 75% वोटों के साथ सत्ता में आ गए। अब उन्होंने 27 वर्ष पुराने संविधान को बदलने के लिए रूसी संसद में प्रस्ताव पेश किया, जिसके समर्थन में 340 सांसदों ने वोट दिया। पुतिन ने भी इस कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि इस कानून को रूस की संवैधानिक अदालत की मुहर लगना बाकी है। इसके बाद रूसी लोग कानून पर वोटिंग करेंगे। रूस में ये संवैधानिक बदलाव कुछ वैसे ही पास किए गए हैं जैसे चीन में किए गए थे। चीन में संवैधानिक बदलाव के बाद राष्ट्रपति शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। जाहिर है कि पुतिन और शी जिनपिंग की मजबूती से ही अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि पुतिन ने भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरह तानाशाही का मार्ग अपनाया है, लेकिन दोनों देशों की जनता तब भी अपने अपने नेताओं के समर्थन में क्यों बनी है? वास्तव में 2000 से कभी राष्ट्रपति कभी प्रधानमंत्री रहे पुतिन ने देश को एकजुट किया है। आर्थिक मोर्चे पर दिक्कतें तो रही, लेकिन रूस का प्रभाव बढ़ा, वो सोवियत संघ के दौर की तरह शक्तिशाली हुआ। रूस अब मध्य पूर्व में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीरिया को लेकर भी कोई समाधान रूस के बिना संभव नहीं है।
इराक में भी रूस का प्रभाव बढ़ा है और रूस ईरान और तुर्की की तिकड़ी के साथ इराक फिर जुड़ गया है। वहीं पुतिन ने अमेरिका की गलतियों पर भी जमकर फायदा उठाया है। दूसरी ओर अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर की वजह से चीन और रूस के रिश्ते काफी गहरे हुए हैं। रूस रणनीतिक संबंधों के जरिए आर्थिक स्थिति सुधार रहा है। विरोधियों की जान कैसे ले रहे हैं पुतिन? आपको पता होगा पिछले साल अगस्त में मॉस्को की फ्लाइट में अचानक रूस के रशियन अपोजिशन लीडर और एंटी करप्शन एक्टिविस्ट एलेक्सी नवेलनी की तबीयत बिगड़ी थी और बाद में पता चला कि उन्हें जहर देकर खत्म करने की कोशिश की गई थी। पूरी दुनिया में इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी और अब भी गिरफ्तार नवेलनी के पक्ष में अमेरिका और यूरोप में प्रतिक्रियाएं आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस में किस तरह विरोधियों का सफाया करने के लिए जहर देना एक परंपरा बन गई है? रूसी जासूस स्क्रिपाल। रूस के पूर्व जासूस सर्गी स्क्रिपाल और उसकी बेटी ब्रिटेन के शहर सैलिसबरी में 2 साल पहले बेसुध हालत में मिले थे। बताया गया था कि उन्हें मिलिट्री ग्रेड का नर्व एजेंट नोविचोक जहर के तौर पर दिया गया था। इससे पहले 2006 में स्क्रिपाल को ब्रिटेन के लिए जासूसी करने के आरोप में 13 साल के लिए कैद में डाल दिया गया था। हालांकि 2010 में उन्हें माफी दे दी गई थी। बताया जाता है कि अब स्क्रिपाल और उनकी बेटी न्यूजीलैंड में नई पहचान के साथ रह रहे हैं। प्योत्र वर्जिलोव। रूस के प्रतिवादी समूह पूसी राइट के सदस्य के तौर पर पुतिन के आलोचक रहे एक्टिविस्ट प्योत्र वर्जिलोव को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। सितंबर 2018 में मॉस्को से बर्लिन ले जाने के बाद पुष्टि हुई कि वर्जिलोव को जहर दिया गया था। बीबीसी को वर्जिलोव ने बताया कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मार डाले गए 3 रूसी पत्रकारों के मामले में जांच करने के चलते उन्हें रस्ते से हटाने की कोशिश की गई थी। पत्रकार व्लादिमीर कारामुर्ज़ा। पुतिन के आलोचक रहे पत्रकार व्लादिमीर कारामुर्ज़ा को पहले 2015 में जहर दिया गया था। तब मुर्ज़ा को जहर के कारण किडनी फेलियर की समस्या हुई थी। इसके बाद 2017 में फिर से कथित तौर पर जहर देने की खबरें आई थी, जिसके चलते मुर्ज़ा कोमा में चले गए। बताया जाता है तब से मुर्ज़ा मॉस्को में रहते हैं। विरोधी नेता विक्टोर युशेंको। यूक्रेन के चुनाव में रूस समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ खड़े होने के कारण विक्टोर युशेंको को जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। एजेंट ऑरेंज में पाया जाने वाला केमिकल डायोक्सिन उनके शरीर में पाया गया था। हालांकि उस जहर के कारण वो एक तरफ से चेहरे के लकवे के शिकार हो गए थे। बाद में युशेंको ठीक हुए और राष्ट्रपति चुनाव जीतने में कामयाब हुए। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने यूक्रेन की सत्ता पर जहर देकर मारने के आरोप लगाए थे। दोस्तों, ये तो कुछ नाम है जो सामने आ गए, बाकी ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनके नाम तक सामने नहीं आए। पुतिन ने हर जगह अपनी ताकत दिखाई है। पुतिन 12 साल और राष्ट्रपति रहे तो वो पूर्व सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बता दें, स्टालिन ने 29 वर्ष तक शासन किया था। स्टालिन के तानाशाह होने के बाद रूस सुपर पावर बना, तो उसके पीछे स्टालिन का बहुत बड़ा हाथ था। पुतिन के कार्यकाल में रूस में बेरोजगारी और गरीबी आधी से ज्यादा कम हुई है। हो सकता है कुछ लोग पुतिन को तानाशाह करार दें, लेकिन वो रूस की जनता की नजर में महान नायक है। लोगों की नजर में वो मसीहा ही बने हुए हैं। आपकी पुतिन के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें बताइए। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।